happy Holi. होली का इनविटेशन कार्ड जरूर अंगद वहीं गया होगा। मैं जानती हूं कि अंगद मुझसे बहुत नाराज है, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। पर मैं वहां आऊंगी, क्योंकि वो भी शायद यही चाहता है। गलती मैंने की है, उसके दिल को तकलीफ मैंने पहुंचाई है, मैं ही इसे सुधारूंगी। आई मस्ट गो देयर। हैप्पी होली अंगद। Happy Holi to you. Excuse me, maybe I. Excuse me. क्या कर रहे हो? हैप्पी होली अंगद। कम ऑन कृपा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने कहा कि ये पार्टी यहाँ हो रही है? तुम घर पे पार्टी के इनवाइट्स भूल गए थे, इसलिए मैं आ गई तुम्हारे साथ होली खेलने। कृपा, मैं आपको कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता, तुम घर जाओ। देखो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर अंगद आज होली है। मैंने कहा ना, प्लीज घर जाओ। पर अंगद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब ये बात भी तुम्हें बतानी पड़ेगी कि कृपा, यहाँ होली है, सब अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, बच्चे को कुछ हो गया तो प्लीज गो होम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जस्ट गो होम। देखा, इसीलिए मैं कह रहा था कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गो होम। तुम नहीं जानती कृपा, कितनी तकलीफ होती है ये देखकर कि तुम मेरे इतने करीब होते हुए भी कितनी दूर हो। जो बच्चा हमारे जुड़ने की कड़ी था, आज वही। पर जो भी हो, मैं चाहकर भी तुम्हारी केयर करना नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ अंगद, तुम मुझसे नाराज हो, पर आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। यू लव मी अंगद। And you care for me. I love you the most. चलो अब घर जाओ। जाओ। जो तुम नहीं पास फिर साथ हो कैसे, तेरे बिना और कुछ बात हो कैसे, हो शाम या हो सवेरा, हर वक्त है वक्त तेरा, मेरी कहानी में लफ्ज तेरा है, करना ये इजहार है। हैप्पी होली।
पुणे में थे ना, और उनके साथ ये कौन है? क्या हुआ अंकल, तुम कहीं जाने की तैयारी में तो नहीं थे? वापस चलो, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई। नहीं मिस्टी, वो क्या? कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंकल? तुम्हारी मिस्टीरियस होने की आदत अभी तक नहीं गई ना। चलो लेट्स गो। चलो देर से क्यों आई? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कम ऑन, कम कम इनसाइड। चलो कृपा को बताया नहीं कि मैं वापस आ गई और ये पार्टी मेरी है? तुमने उसे क्यों नहीं बताया अंगद? हाँ बोलो। मिस्टी, आई थिंक मिस्टर मित्तल तुम्हें बुला रहे। दे रही हो, तुम सुन नहीं रही? सॉरी शीता, ध्यान नहीं है। तुम जा कहाँ रही हो और इतनी अपसेट क्यों हो? और मिसेस मित्तल को देखकर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो क्या है ना शीता, मैं नहीं जानती थी मिसेस मिश्टी मित्तल अंगद की बॉस है। वो अंगद शायद बताना भूल गया। कृपा, अगर वो बताना भूल गया तो क्या हुआ अगर वो अंगद की बॉस है तो? क्योंकि शीता, आज की मिसेस मिश्टी मित्तल कल की मिश्टी बॉस थी। अंगद से पूछा क्यों नहीं? उसने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्योंकि शीता, मैं अंगद से कोई भी सवाल पूछने का हक खो चुकी हूँ। I'm sorry, what do you mean by that? मैंने भी तो अंगद से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात छुपाई थी,
मैं उससे कोई भी सवाल पूछने का हक खो चुकी हूँ शीता। कृपा, पर जब तुमने बात छुपाई थी तो तुम्हारे पास एक वजह थी। तुम नहीं चाहती थी कि अंगद को बुरा लगे। ठीक उसी तरह शीता, वो नहीं जानता था। इस हालत में मैं मिष्टी के बारे में जानकर कैसे रिएक्ट करूंगी? मैं जानती हूँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते, कुछ कुछ भी नहीं। छोड़, तुम जाओ, एंजॉय करो, मैं घर जा रही हूँ। ड्राइवर, चलो चलो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? होली की पार्टी है, भांग नहीं पीऊंगा तो क्या पीऊं? होली की पार्टी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भांग पीएंगे। अरे बट मिष्टी। नहीं, मैं आपके लिए अंदर से कुछ और लाती हूँ। आओ अंगद, कैसे हैं आप? I'm good, how are you doing? Very well. शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग भी अच्छी चल रही है और आपकी पार्टी भी। हाँ, पार्टी तो सभी एंजॉय कर रहे हैं सिवाय मेरे। मिष्टी भांग को छूने तक नहीं दे रही है। ये तो आप दोनों का प्यार है, आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों एक साथ बहुत खुश लगते हो। लुक अंगद, रिश्ते खुद अच्छे नहीं बनते, यू टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। मैं जानता हूँ कि शादी से पहले मेरी बीवी का कोई लव इंटरेस्ट था। इसका मतलब है कि मिस्टर मित्तल मेरे और मिस्टी के बारे में जानते हैं।